नमस्कार 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 भाई, कैसे हो और क्या चल रहा है? आ गए हैं फिर से लेकर आपके लिए एक और सवाल, और ये सवाल हमारे एक मित्र का आया है YouTube के चैनल पर ही, कि सर अगर कोई लेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो क्या वो किट लेंस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है? सवाल अच्छा है, कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है कि किट लेंस अच्छा नहीं होता, सबसे बेकार होता है, अच्छी पिक्चरें नहीं आती। इसका जवाब सिंपल सा है, बहुत ऑब्वियस है कि देखो भाई, जो कंपनी वाले हैं जब वो आपको एक कैमरा बेच रहे हैं तो उसमें वो देते हैं एक किट लेंस। किट लेंस का मतलब हुआ कि वो आपकी किट का हिस्सा है, यानी कि एक पूरा पैकेज दे रहे हैं आपको। नॉर्मली जो किट लेंस होता है वो 1650 का होता है, 1850 का होता है, 1855 का होता है। तो हो गया रहा है यहाँ पर कि भाई वो आपको एक ऐसा लेंस दे रहे हैं जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट कर सको अलग अलग फोकल लेंथ पर, यानी कि 18 से लेके 55 तक आप कोई भी फोकल लेंथ ट्राई करो और देखो कि भाई आप किस तरह की पिक्चर्स ज्यादा शूट कर रहे हो, किस तरह का फोकल लेंथ आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको वाइड एंगल पसंद आ रहा है, आपको 55 पसंद आ रहा है। तो ये एक लेंस है जो आपको दिया जाता है सीखने के लिए। ये आपको ट्रेन करता है कि अलग अलग फोकल लेंथ पर किस तरह से एक इमेज में फर्क आता है। वाइड एंगल लेंस यूज करते हो तो कैसा लगता है, 50mm या 55mm का लेंस यूज करते हो तो उसमें क्या इफेक्ट आता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग आपको कैमरा वाले दे रहे हैं। ये जो है कि भाई किट लेंस से अच्छी पिक्चरें नहीं आती, किट लेंस से बहुत अच्छी पिक्चरें आती हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि उसमें आपको वो अपर्चर नहीं मिलता 2.8 का, 1.8 का, 1.2 का, लेकिन आपको 3.5 4 का अपर्चर मिनिमम मिल जाता है। मेरे हिसाब से 4 के अपर्चर पे भी आप बहुत अच्छी पिक्चरें खींच सकते हो, आप एक एवरेज लाइट में अच्छी पिक्चरें निकाल सकते हो। ये जो किट लेंस की जो आप लोगों के दिमाग में धारणा बैठाई गई है कि भाई किट लेंस से अच्छी पिक्चरें नहीं आती, ट्रस्ट मी, मैंने किट लेंस को यूज करके अपनी एग्जीबिशंस के लिए पिक्चर्स खींची हैं, अपने इंस्टाग्राम पर पिक्चरें डालता हूं, अपने स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं किट लेंस को यूज करता हूं, और किट लेंस में वाकई में कोई खराबी नहीं होती। ये कुछ पिक्चरें हैं, आप देखो, ये सब किट लेंस से खींची हुई हैं भाई साहब। और इनको एनलार्ज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बहुत कुछ करा जा सकता है। किट लेंस से आप अपनी फोटोग्राफी की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, किट लेंस में कोई भी खराबी नहीं होती। और ये जान लो कि किट लेंस आपको ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। आप किट लेंस से तब तक शूट करो जब तक आपको नहीं पता चलता कि आपको किस तरह का लेंस यूज करना है, किस फोकल लेंथ पे यूज करना है। हो सकता है कि आप 50mm का लेंस ले लो और बाद में आपको पता चले कि नहीं यार, मैं तो 16 पे ज्यादा प्रेफर करता हूं शूट करना, या आप 16mm का या 18mm का लेंस ले लो और उसके बाद आपको लगे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा वाइड है। तो पहले ट्राई करो, खींच के देखो, एक्सपेरिमेंट करो, और फिर अगर आपको लेंस लेना है और नहीं भी लेना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किट लेंस से ढकाढक अच्छी पिक्चरें खींच सकते हो मेरे दोस्त। मतलब मैं जीता जागता उदाहरण हूं जो किट लेंस को यूज करता है और किट लेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जो ये कंपनी वाले लोग हैं जो और लेंस बना रहे हैं उनको बेचने के लिए आपको बोलते हैं कि भाई 1.8 और 2.8 का लेंस ले लो। आप ये देखो कि आपकी फाइनल आउटपुट कहां पर आप यूज कर रहे हो, आप फाइनल पिक्चर को कहां पे प्रोड्यूस करने जा रहे हो। आप अगर सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए पिक्चर कर रहे हो, तो आप किट लेंस को पूरी जिंदगी भी यूज करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी पिक्चरें निकाल सकते हो। प्रॉब्लम सारी ये है कि जब पिक्चरें अच्छी नहीं आ रही होती तो आप ब्लेम करते हो किट लेंस को। आपको लगता है कि भाई मेरे पास अगर 1.2 का लेंस होता ना तो मैं फाड़ के रख देता, भाई किसी और की जो पिक्चरें अच्छी आ रही है ना वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके पास भाई 2.8 वाला लेंस है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सिर्फ आपकी धारणा है। आप बिगर बात में बेचारे किट लेंस को बदनाम कर रहे हो, किट लेंस की इसमें कोई गलती नहीं है, आपको फोटोग्राफी नहीं आती है। तो भाई फोटोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, एक्सपोजर को समझो, और आप ये समझो कि जो ये किट लेंस यूज कर रहे हो उसको किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हो। किट लेंस अच्छा काम होता है, बहुत सारे आपको ऐसे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो किट लेंस यूज करते हैं। मैं खुद प्रोफेशनल हूं भाई, किट लेंस यूज करके पिक्चरें निकालता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप खुद सोचो कि ऐसा कितनी बार होता है कि जहां पर आपको 2.8 या 1.8 में शूट करना होता है, बहुत कम होता है मेरे दोस्त। और अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें तो मैं प्रेफर ही नहीं करता कि मैं 1.8 या 2.8 पे शूट करूं भाई, वहां तो मैं कम से कम 8 पे शूट करता हूं। तो ये रोना क्यों रोना,
आप अपने लेंस की काबिलियत को समझो, आप अपनी फोटोग्राफी की काबिलियत को समझो, सब बढ़िया है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा भाई कि किट लेंस को बदनाम ना करें, किट लेंस बढ़िया लेंस होता है। किट लेंस से आप अपनी फोटोग्राफी की जर्नी बिल्कुल कर सकते हो। जिन जिन के पास किट लेंस है उनको अगर फोटोग्राफी आती है तो भाई वो किट लेंस से जादू कर सकते हैं, और जिनको फोटोग्राफी नहीं आती उनको चाहे 2.8 का लेंस दे दो, चाहे 1.2 का लेंस दे दो, वो फोटो की मां फो देंगे। तो इट इज नथिंग टू डू विद द लेंस, इट इज टू डू विद यू एंड योर फोटोग्राफी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।